हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज कर्मचारियों ने फूंका विरोध का बिगुल। रोडवेज संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विरोध का बिगुल फूंक दिया। मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने बस स्टैंड परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मांगों को पूरा नहीं करने पर रोष जताया। वहीं रविवार रात से रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया। नतीजतन सोमवार को रोडवेज बसें नहीं चली। बस स्टैंड पहुंचे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों को गंतव्य के लिए निजी और प्राइवेट वाहनों का सहारा लेना पड़ा। रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार गत 27 जुलाई को राज्य के परिवहन मंत्री यूनुस खान के साथ संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति के बीच मांगों को पूरा करने के लिए करार हुआ था, लेकिन राज्य सरकार की ओर से रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसी के चलते प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।